तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। रविवार को तालिबान लड़ाके अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुस गए और राष्ट्रपति भवन को कब्जे में ले लिया। इसी के साथ राष्ट्रपति अशरफ गनी समेत कई बड़े नेताओं ने देश छोड़ दिया है। वहीं अब हजारों की संख्या में आम लोग काबुल छोड़कर दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सैकड़ों की संख्या में अफगानिस्तान के लिए लोग हवाई जहाज में चढ़ रहे हैं। सब एक दूसरे पर लदे हुए हैं। ये सभी लोग कैसे भी करके देश छोड़ना चाहते हैं। बता दें, ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये वीडियो काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। विमान पूरी तरह हजारों लोगों से घिरा हुआ है। हवाई जहाज के कैबिन के अंदर जाने के लिए जिस सीढ़ी का इस्तेमाल किया जाता है, उस पर लोग जहाज के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की कर रहे हैं। अफगानिस्तान के लोगों की यह स्थिति देखते हुए अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह खुद को कितना मजबूर मान चुके हैं। एयरपोर्ट पर मौजूद हर शख्स देश छोड़ने के लिए बेकरार है। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो जहाज में चढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। उन्हें देखकर महसूस हो रहा है कि उन्होंने देश से जाने की उम्मीद छोड़ दी। काबुल का हवाई अड्डे के दृश्य एक हवाई अड्डा कम बल्कि बस स्टैंड जैसा ज़्यादा दिखाई दे रहा है। जैसे बसों के लिए अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की होती है, ठीक वैसे ही जहाज के अंदर जाने के लिए धक्का मुक्की हो रही है। और ये भीड़ को देखते हुए हवाई अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों ने आज सुबह भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवा में गोलियां भी चलाई।